पावर स्टेरिंग भी हाइड्रोल टाइप मिलेगा, डबल देख सकते हो उसके अंदर पट्टी वेल्ड कर रखी है, बहुत ही स्मूथ पावर स्टेरिंग मिल जाता है, बहुत ही हैवी गेज के साथ मिलेगा, बहुत ही डिफरेंट टाइप का इसका टायर मिलेगा आपको देखने को। अब इसके इंजन पर कलर ग्रे कर दिया कंपनी ने। श्रेणी का सबसे बड़ा डीजल टैंक मिलता है 67 लीटर का। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो आज सभी किसान भाइयों के लिए मैं आपको 2023 के लेटेस्ट मॉडल प्रीत 4549 चीता सीरीज ट्रैक्टर की आज फुल डिटेल रिव्यू करूंगा। ट्रैक्टर के अंदर क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ स्पेशल है, सब कुछ दिखाऊंगा अभी। तो वीडियो साथ बने रहना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट टायरों से। तो उसके अंदर देख सकते हो कंपनी ने 616 के फ्रंट टायर दिया है, जो कि गुड़िया के मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर हम बात करते हैं इसके रियर टायर की, तो कंपनी ने इसके अंदर देख सकते हो 1428 के रियर टायर दिया है। और सबसे अलग और सबसे स्पेशल टायर लगते हैं इसके, ये अच्छे टायर है खेती के लिए और रोड पे भी अच्छा वर्क करते हैं, जबरदस्त खींच इन टायरों की। देख सकते हो इस तरह का टायर आपने किसी ट्रैक्टर में देखा नहीं होगा अभी तक। अभी बात कर लेते हैं इसके फ्रंट एक्सल की, तो उसके अंदर देख सकते हो कंपनी ने नॉन एडजस्टेबल बहुत ही हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया है। इधर देख सकते हो आप, बात करते हैं हम इसके स्टेयरिंग को लेकर के, तो कंपनी ने इसके अंदर देख सकते हो स्टेयरिंग भी चेंज कर दिया, बहुत ही स्मूथ पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, जो कि हाइड्रोल टाइप सिग्नल शाफ्ट मिलेगा, बहुत ही हैवी गेज के साथ। इधर देख सकते हो पट्टी इसकी पूरी कंपनी फिट वेल्डेड है। बात करते हैं फ्रंट लुक की, तो इसके अंदर देख सकते हो बहुत ही शानदार फ्रंट लुक मिलता है, 60 किलो का बुलगार्ड मिलेगा कंपनी फिट। बात करते हैं इसकी लाइट की, तो स्क्वायर टाइप की हेडलाइट मिल जाती है और 3D में प्रीत का लोगो मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इधर, तो कंपनी टू चैन करने भी पहली प्रोविजन कर रखा, इसका बोनट चाबी के साथ खुलता है और इस ट्रैक्टर की चाबी ही इसमें लगेगी, और किसी ट्रैक्टर की ना तो इसमें लग सकती ना इसकी किसी और में लगेगी, बहुत ही अच्छी बात है। अभी बात करते हैं ट्रैक्टर के डायमेंशन में, ट्रैक्टर कितना लंबा चौड़ा मिल जाता है। तो बात करते हैं इसके वेट की, तो ट्रैक्टर के अंदर 2060 किलो वजन मिलता है। बात करते हैं ट्रैक्टर की हाइट की, तो 2255 mm ट्रैक्टर की ओवरऑल हाइट मिल जाती है, ये बिना छतरी के है इतनी हाइट इसकी। बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, तो 1765 mm ट्रैक्टर की चौड़ाई मिल जाती है। बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो 3700 mm ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 410 mm के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बात करते हैं व्हील बेस की, तो 2085 mm के अंदर व्हील बेस मिल जाता है। तो ये कुछ का डायमेंशन था लंबा चौड़ा को लेकर के। अभी बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी ने क्या कुछ दिया है नए मॉडल के अंदर, कुछ बदलाव किया है नहीं, अब आपको मैं दिखाता चलूँगा। इसके अंदर देखो तो काफ़ी हैवी इसके अंदर फेंडर मिल जाते हैं, और सबसे बड़ा इसका ग्रैब रेल मिलेगा, इस पर आप 203 पैसेंजर भी बैठा सकते हो। देख सकते हो कितना बड़ा इसके अंदर ग्रैब रेल मिल जाता है। बात करते हैं इसके इंडिकेटर पर ब्रेकिंग पार्किंग लाइट की, बल्ब मिलती है आपको। इसकी जो सीट मिलती है वो आपको स्टैंडर्ड मिलेगी, डिलक्स सीट इसके अंदर नहीं मिलती, लेकिन एडजस्टेबल आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। बात करते हैं इसके पीटो की, तो इसके अंदर रिवर्स पीटो का गियर भी इधर मिल जाता है, ये पीटो गियर है इसके अंदर, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसे क्लच की, तो ट्रैक्टर के अंदर आपको डुअल क्लच मिलेगा, एक क्लच के अंदर डबल वर्क करता है, बहुत ही अच्छा इसके अंदर फुट स्टेपर मिल जाता है, इसमें हम पैरा करके ऊपर चढ़ सकते हैं। बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की, तो ट्रैक्टर के अंदर सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स मिलेंगे, जो कि फुली कॉन्शनमैक्स गियर बॉक्स है, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इधर से, तो इसके अंदर मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ, इसके अंदर 2023 का लेटेस्ट मॉडल आप देख सकते हो 4549। अगर हम बात करते हैं इसके डीजल टैंक की, तो ट्रैक्टर के अंदर सबसे बड़ा श्रेणी का डीजल टैंक मिलता है, जो कि इसके अंदर 67 लीटर डीजल फिल करा सकते हो, 70 लीटर तक इसमें आ जाएगा। इधर देखो तो कंपनी प्लेट लगा दे रखी है, इसमें बोल्ट भी लगे हुए, आप इसमें कोई भी हीट गार्ड प्लेट भी लगवा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसके डिजाइन की, तो इसके अंदर 3D में आपको प्रीत लिखा मिलेगा, साथ ही साथ इसके चीता सीरीज की बेजिंग मिल जाती है, ये आपको 3D में नए ग्राफिक्स मिल जाते हैं ट्रैक्टर के साथ। अभी हम इसका बोनट खोल लेते हैं पहले। अभी आप देख सकते हो हमने इसका बोनट खोल लिया, सिंगल पीस बोनट मिलता है ट्रैक्टर का, जो कि हाइड्रोलिक सिलेंडर जैक के साथ ऊपर की तरफ खुल जाता है। इसको मेंटेन करना और इसको मेंटेनेंस देखना बहुत ही आसान हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता चलूँ, साथ साथ इसके अंदर पावर स्टीयरिंग का ऑयल भी सेपरेट देती है कंपनी, 3 लीटर पड़ता है इसके अंदर। इससे फायदा ये होता है हमारे पावर स्टीयरिंग के अंदर लंबे समय तक भी कोई भी मेंटेनेंस नहीं बनता। इधर से मैं आपको दिखाता चलूँ, इसके अंदर 500 ml का कूलेंट रिजर्व टैंक भी अलग से मिल जाता है। अभी हम बात करते हैं ट्रैक्टर के इंजन की, तो इसके अंदर 2892 cc का इंजन मिल जाता है, 2200 RPM पे, जो कि आपके 4500 HP पूरी जनरेट करता है, बहुत ही अच्छा जीट्रोमेटिक टाइप इसके अंदर इंजन मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इधर से, तो इसके अंदर देख सकते हो जो एक लाइन इसका ड्राई टाइप मिलेगा, चौक सेंसिंग के साथ डुअल फिल्टर में मिलेगा ये, और इसमें देख सकते हो आगे की तरफ भी इतना स्पेस मिल जाता है, आप इसमें बैटरी भी यहाँ रखवा सकते हो। बैटरी रखवाने का यहाँ बेनिफिट ये होगा, कभी आपकी बैटरी चोरी नहीं होगी, क्योंकि बोनट इसका चाबी के साथ लॉक हो जाता है। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर वाटर सेपरेटर के साथ साथ 2-2 डीजल ऑयल फिल्टर मिल जाते हैं, ये भी बॉस के मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर सर्विस की, तो हर 250 घंटे के अंदर ट्रैक्टर आपको 7.5 से 8 लीटर में ट्रैक्टर सर्विस हो जाती है। बात करते हैं ट्रैक्टर की बोर और स्ट्रोक की, तो ट्रैक्टर के अंदर आपको 102 mm का बोर और 118 mm का इसके अंदर स्ट्रोक मिल जाता है। अभी बात करते हैं ट्रैक्टर की रेगुलर टॉर्क और बैकअप टॉर्क की, जो कि इस श्रेणी के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर 175 Nm से लेकर 185 Nm तक रेगुलर टॉर्क मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसकी बैकअप टॉर्क की, तो इस श्रेणी का सबसे बेहतरीन बैकअप टॉर्क है, 26% का बैकअप टॉर्क निकल कर देता है ट्रैक्टर अपना। अभी हम ट्रैक्टर को राइट हैंड साइड में देख लेते हैं कंपनी इसके अंदर क्या कुछ देते हैं, तो मैं आपको दिखाता चलूँ।
इस श्रेणी में इस कीमत के अंदर ट्रैक्टर के अंदर आपको देखो डबल पंप देती है, वो भी प्रॉपर अलग अलग है। इसके अंदर कभी मेंटेनेंस नहीं बनता, कभी आपको पंप खराब भी हो तो आप इसे रिपेयर करते हो तो पूरा पंप पैसे भी बदलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे आपका पैसा और समय बचता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाता है, हेड ऑयल फिल्टर मिल जाता है, हर 250 किलोमीटर की सर्विस के बाद ही चेंज होते रहते हैं। इसके अंदर 35 एम्पीयर का ऑल्टरनेटर मिलेगा जो इसकी बैटरी को चार्ज करने के सफिशिएंट है। बैटरी इसकी आपको राइट हैंड साइड में मिल जाती है, इसको आपको पैर रखने के लिए मना किया गया है। इसका साइलेंसर भी आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगा, देख सकते हो सर। और इसके अंदर हीट गार्ड प्लेट भी कंपनी लगा दे रखी है। 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्ट मोटर मिलती है, इसके 3760 चक्कर मिलेंगे जो कि ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के सफिशिएंट है। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर के मिरर की तो इसके अंदर देख सकते हो साइड में काफ़ी अच्छा इसके अंदर मिरर मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इधर से तो इसके अंदर देख सकते हो पैर के ब्रेकिंग और में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, मल्टी डिस्क ब्रेक। ब्रेकिंग के अंदर इसकी डिस्क की प्लेट चेंज कर दी कंपनी, अब इसके ब्रेक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेक लगते हैं। पैर की एक्सेलेटर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आप एक उंगली से पूरी प्रेस कर सकते हो, देख सकते हो सर। काफ़ी अच्छा ट्रैवल भी है, पीछे डिस्क लीवर भी आपके हाथ की पहुँच में मिल जाएंगे। तो अभी हम ट्रैक्टर के पीछे देख सकते हैं, ट्रैक्टर पीछे कैसा लगता है लुक वाइज, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर लगता है। अगर हम बात करते हैं इधर से तो इसके अंदर देख सकते हो लिफ्टिंग कैपेसिटी तो कंपनी इसके अंदर 1500 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी दी है और बहुत ही अच्छी इसके अंदर देख सकते हो रोड दिया ना कि इसके अंदर कोई चैन चलती। इससे हमारा इंप्लीमेंट कोई लगा होता ट्रैक्टर पर तो ज़्यादा झूलता नहीं, इससे हमारा बैलेंस भी खराब नहीं होता और प्लस आवाज़ नहीं करता। बात करते हैं इधर से तो इसके अंदर देख सकते हो सिंगल पीस डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिल जाता है, इसमें आप डबल का भी ऑप्शन ले सकते हो। अगर हम बात करते हैं इधर से तो इसके अंदर 3-3 टॉपलिंग लिंकेज मिल जाती है और इसका जो हिच मिलता है वो भी आप एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे कर सकते हो, काफ़ी हैवी ड्यूटी के अंदर हिच मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी पीटीओ की तो इसके अंदर रिवर्स पीटीओ मल्टी स्पीड पीटीओ आप इसमें चला सकते हो, इधर देख सकते हो आप, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं, इसमें बस रिवर्स पीटीओ मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर की गारंटी की, ट्रैक्टर साल आपको 4 साल 4000 घंटे गारंटी मिल जाती है, 2 साल 2000 घंटे से लेकर के 5 साल 5000 घंटे तक कोई भी आप इसमें स्कीम ले सकते हो। पीछे की जो पीछे की इसकी ट्यूब है यानी कि जिसे हम एक्सल रोड बोल देते हैं वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी कंपनी चेंज कर दी। अभी हम बात करते हैं ट्रैक्टर की SFC की और पीटी हॉर्स पावर की, ट्रैक्टर के अंदर 41 हॉर्स पावर की पीटी मिल जाती है। अगर हम इसकी SFC की बात करते हैं तो ट्रैक्टर के अंदर आपको 285 ग्राम किलोवाट प्रति घंटे की SFC मिल जाती है। अभी आप देखते हैं ऊपर आ चुके, ऊपर देखते हैं काफ़ी अच्छे साइज का इसके अंदर स्टेयरिंग मिल जाता है, इसमें आपको हॉर्न भी स्टेयरिंग मिलेगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस पूरा ड्राइवर का रोड पर बनाता है, इससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। चाबी इसकी कुछ इधर लगती है जिस तरह से कार की लगती है साइड में। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर के डीजल खपत की, ट्रैक्टर 1 घंटे फुल लोड में आपको 4 से 4.5 लीटर डीजल लेगा लेकिन ज़बरदस्त काम करेगा उसमें। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर की कीमत की तो ट्रैक्टर आपको ऑन रोड 5,80,000 से लेकर 5,75,000 के बीच में पड़ जाएगा। इस रेंज के अंदर इतने फीचर देने वाला ट्रैक्टर कोई भी कंपनी आपको 45 HP में नहीं मिलेगा। आइए एक बार इसकी आवाज़ सुनते हैं। और लाइट मिल जाती है, आप बॉक्स मिल जाते हैं, आप कुछ भी रखवा सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो के अंदर ही जरूर बताना, थैंक यू।